हेलो फैमिली, वेलकम टू माय चैनल आर स्मिता फेस्टिव ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल आर स्मिता फेस्टिव ब्लॉग में। सो फैमिली, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आप सभी की कुशलता की शुभकामना करती हूँ। सो फैमिली, आज मैं एक मेरी कोई ब्लॉगिंग नहीं है, मैंने रेसिपी आज शेयर किया है। आज मैं बना रही हूँ चने की साग और बथुआ का साग, मतलब ये दोनों कच्चा है, चने का भी साग है, बथुआ का भी साग है, इनको हम पका करके बनाएंगे चने बथुआ का साग। अभी तक हम लोग ठंडी में ये बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है, खाने का मन भी करता है नया चावल के साथ। तो मेरे गांव में, हम लोग भी गांव में ही रहते हैं, शहर में बहुत ज़्यादा शहर नहीं है। तो आई थी एक काकी हैं वो बेचने, तो उनसे हम लोग खरीद लिए, बोली ले लो दुल्हिन, ले लो दुल्हिन, तो हम लोग खरीद लिए हैं। और है बिल्कुल ताज़ा, मार्केट का भी मतलब आता ही है खरीद के, लेकिन ये गांव में से खोट के आया है, हाथ से खोट कर। तो उसको हम पहले धो लिए, धुल करके इस तरह से डलिया में रख लिए ताकि इसका पानी पूरी तरह से निथर जाए। फिर इसको पहसूल से काटा जाता है खूब अच्छे से महीन महीन। और देखिए हम कैसे बना रहे हैं, चने के साग और चावल और मक्के की रोटी मैं बनाऊँगी, तो बने रहिए मेरे साथ, आप लोग भी आ जाइए। और इस तरह से साग हम काट लिए, काट करके कुकर में बनाते हैं। तो आधा इस तरह से हम भर लिए हैं और उसके ऊपर थोड़ा सा हींग डाल देंगे और नमक डाल देंगे, फिर उसको ऊपर से भी इस तरह से पैक कर देंगे ताकि नमक पूरे में गल के फैल जाए, मिक्स हो जाए। और पूरा साग देख रहे हैं साइड में मेरा, कठवत में भी साग है, पूरा साग मेरा कुकर में आटा नहीं था, तो पहले उसको हम गला लिए, गलाने के बाद जो मेरा और बचा था वो भी उसमें इस तरह से ऐड कर देंगे। ये मेरा 2 किलो साग था, इस तरह से गला गला के सारे साग को हम एक साथ इसमें मतलब सेट कर देंगे, भर देंगे कुकर में। और इस साग को थोड़ा थोड़ा बनाकर खाया जाता है, जैसे इकट्ठा आप इसको बॉयल, एक तरह से हम बॉयल कर रहे हैं, बॉयल करने के बाद आप रख दीजिए। और 1 कप हमने इसमें पानी ऐड किया है, साग तो वैसे भी पानी छोड़ता है पर हम थोड़ा सा इसलिए डाल दिए थे ताकि जो नमक हींग डाले हैं वो घुल जाए और साग जले नहीं, जब इसका पानी छोड़ेगा तभी तो वो नहीं जलेगा, इसलिए 1 कप पानी हमने ऐड कर दिया है। और इसको खूब अच्छी तरह से, इस तरह से खूब चला चला के, चला चला के इसके सारे पानी को सुखा देंगे और इस तरह से मैश भी करते जाएंगे कलछुल से। और अब मेरा साग खूब अच्छे से भून गया है, सूख गया है। और इसको इसी तरह से जैसे लहसुन, हरी मिर्च, धनिया काट करके सरसों का तेल ऊपर से डाल दीजिए, जैसे चोखा बनाते हैं ना आलू बैंगन का, उसी तरह से इसको खूब अच्छे से मैश कर दिया जाता है। आप चाहें तो लहसुन लहसुन मिर्चा का तड़का दे करके कढ़ाई में भी भून सकते हैं, पर उसके अपेक्षा ये कहीं ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो इस तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे और बन गया है नया चावल, साग चावल। ये थाली लग गई है तो आ जाइए प्लीज़, आप लोग भी खा लीजिए नया चावल और चने बथुए की साग। और साग तो हमारा बना था ही, सफिशेंट था, तो उसी के साथ मैं मक्के के आटे की रोटी बना लूँगी। वैसे तो मक्के के आटे की रोटी और सरसों का साग प्रसिद्ध है ज़्यादा, पर कोई बात नहीं, हम यही साग बनाए हैं तो हमारे घर में हुआ कि मक्के की रोटी भी बना दो। तो सबसे पहले हम मक्के के आटे में थोड़ी धनिया की पत्ती काट के डालेंगे, अजवाइन मंगरैल ऐड कर लेंगे और गर्म पानी से इसे खूब अच्छी तरह से गूँथा जाता है ताकि थोड़ा मोटा होता है ना, तो जब गर्म पानी से इसे गूँथेंगे तो वो मुलायम हो जाएगा। इसको गूँथ करके थोड़ी देर के रख दिया जाता है और इस तरह से पानी में हाथ लगा लगा करके इस तरह से सेट करके तवा पे फैलाया जाता है। थोड़ा सा उस पर आप तेल लगा दीजिए, तेल पहले तवा में घस दीजिए, ग्रीस कर दीजिए और फिर इस तरह से आप थपथपा के इसको बढ़ाया जाता है, बढ़ा करके। ये देखिए इस तरह से चावल की जो कलछी होती है उस तरह से आप पलट दीजिए, ये देखिए इस तरह से। साग और मक्के की रोटी तो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और उस पर से सरसों का साग हो तो क्या बात, लेकिन अभी मेरे यहाँ सरसों का साग नहीं आया है। हम लोग साग गांव से ही खरीद लेते हैं, आती हैं काकी हैं ना, काकी लोग आती हैं, बेच जाती हैं दरवाजे पे ही, तो खूब हल्ला मचाएंगी, ले लो दुल्हिन साग, ले लो दुल्हिन साग। इस तरह से देखिए मैं, मेरे मक्के की रोटी सिक गई है। और तो आप लोग भी आ जाइए चने के साग, बथुए चने की साग और मक्के की रोटी खाने। और अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसी के साथ मैं अपने वीडियो का एंड भी करती हूँ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने अपने घरों में खुश रहिए। बाय बाय।